dangerous, though I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who to kill it now. Hello guys, kaise ho sab, swagat hai aap sabhi ka hamare channel Harsha Vlogs mein. तो यार इतने दिनों बाद धूप निकले ना, आपको मेरे फेस पे दिख रहा हो, मतलब एकदम धूप ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही हो गया, 3-4 दिन से लगातार बारिश आ रही है और आज जाके थोड़ी धूप निकले तो धूप भी बढ़िया लग रही है। वैसे धूप से इरिटेट हो गए थे गर्मियों में, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ मिल गई बढ़िया एकदम। तो यार आज तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने स्कूटी की, 500 किलोमीटर पर सर्विस करानी है और मैंने 800 किलोमीटर चला दिया, मतलब उसको 500 से 750 के बीच में करानी होती है और वो 800 किलोमीटर चल गया। तो मैंने सोचा ज़्यादा ही हो गया, चले जाते सर्विस कराने के लिए, फर्स्ट सर्विस है मेरी। तो अभी चलते हैं, ये मेरे घर के पास में ही उसका वो खुल गया सर्विस सेंटर, बहुत पास में ही है, तो अभी वहीं पे चलते हैं सर्विस करवाने के लिए। और उसके बाद यार एक काम हो रहा है, मेरे को चप्पल लेके आनी नहीं, अब चप्पल क्यों लेके आनी है वो भी आपको बताता हूँ एक मिनट में। तो यार ये देखो मेरी 3 करोड़ रुपए की चप्पल थी, ये सेक्सी से इतनी मस्त है, बहुत महंगी चप्पल है, कम से कम 3-3.5 करोड़ रुपए की, और ये हमारे एलेक्स भाई ने तोड़ दी है। अभी आपको दिखाता हूँ कर क्या रहे हैं वो, मतलब ये अभी काट के बैठे हैं यहाँ पे और मुझे नई चप्पल लेने जाना है, जुड़ेगी भी नहीं मेरे ख्याल से, तो अभी उसको दिखाता हूँ कर क्या रहा है मजे से काटने के बाद। तो यार ये देखो यही है वो आदमी जिसने चप्पल काटी और कितने मजे से बैठा है यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं करा इसने, हाँ भौंक भी रहा है, हट, मेरी चप्पल काट के बैठा मजे से यहाँ पे, खाना भी नहीं खा रहा। और पर क्या हो गया, क्या है वे, अरे पागल है क्या, पागल है ये ले, हाँ बैठ जा, चल बैठ जा, क्या है वीडियो नहीं बनाऊ, वीडियो नहीं बनाऊ अबे। तो यार अभी तो धूप इतनी ज्यादा तेज हो गई है, मेरे को धूप अच्छी लग रही थी और अब दोबारा से गर्मी लग लग गई, मैं इरिटेट हो गया दोबारा, लग रहा है कि बारिश आ जाए दोबारा से। तो दिल्ली का मौसम तो क्या ही चल रहा है समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, फिलहाल चलते हैं स्कूटी सर्विस कराने के लिए और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो यार पहले कागज वगैरह रख लेता, उसके सर्विस बुक वगैरह जो भी है सारी इसमें रख दी, देख रहे हो पानी की बोतल 10 रुपये खरीदी थी, पी नहीं गई तो रख ली, बाद में काम आएगी। हाँ तो अभी इसमें यार पता है क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो, देख रहे हो स्टैंड अटक रहा है, फिर इसका फ्लोर मैट भी लगवाना है और ये हमारे कबूतरों ने जो हरकत करी है सारी वॉश करवानी है। इसके अलावा ये देख रहे हो, ये देखो सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं ना, हमारी हो चुकी है पंचर, ये अभी दिखाता हूँ, ये देखो। तो अभी से लेके कैसे जाना है ये भी एक नया चैलेंज आया हमारी तरफ, घुसा क्या है पता नहीं भाई इसमें, अभी तो सही थी यार सुबह घूम के आया हूँ। ये देख रहे हो दिस, यही लग रहा है एक पंचर, बाकी देखते हैं कि लग रहा है मुझे तो फिलहाल। तो पहले यार अभी पंचर लगवाने चलते हैं, उसके बाद देखते हैं सर्विस पे चलेंगे। तो यार अभी लग रहा है पंचर और ट्यूबलेस टायर है ना, इस वजह से 2 मिनट में लग जाएगा, तो फटाफट लगवाते हैं और उसके बाद सीधा चलेंगे स्कूटी सर्विस पर कराने के लिए। फिलहाल अपने दोस्त को बुलाया मैंने ताकि स्कूटी तो मैं दे दूंगा, छोड़ के आनी पड़ेगी ना, तो साथ वापस आ जाएंगे। यार अभी पानी की बोतल की बता रहा था ना मैं आपको, इसको देखो आते ही इसको भी बुलाया मैंने, आते ही पानी की बोतल पर हाथ मारा इस भाई ने हमारे, ये देखो फ्री का कुछ भी मिल जाए इसको ले लो। तो यार अभी सर्विस सेंटर पहुंच गए हैं और ये हमारी स्कूटी तैयार हो रही है सर्विस पे जाने के लिए अंदर, ये देखो स्कूटी तो दे दी अभी सर्विस के लिए और भैया कह रहे हैं 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अभी देने में, तो मतलब ऑलमोस्ट 5 बज जाएंगे हमें, अभी 2:30 बज रहे हैं तो 5 बजे करीब ही आऊँगा अभी लेने के लिए। जॉब शीट वगैरह बन गई और खर्चे की बात करें तो हमारा एग्जैक्ट 450 रुपीज लगा, जिसमें हमारा इंजन ऑयल सर्विस चार्ज फ्री है, फर्स्ट सर्विस है ना, तो 450 रुपीज लगे और 5 बजे तक आते हैं लेने के लिए, तब तक सारी दिक्कतें उन्होंने बता दिया और अभी चलते सीधा घर पे और शाम को आएंगे आराम से लेने। तो यार अभी आ चुके हैं घर पे वापस और जितनी अच्छी धूप लग रही थी ना बाहर देखने में, घर से देखने में मतलब उतनी ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया बाहर जाके। एक तो पंचर हो गई तो धक्के मार के ले आना पड़ा पंचर की दुकान तक, क्योंकि चला बिल्कुल हवा निकल गई थी, चलाने का मतलब ही नहीं बन रहा था, तो वहाँ ले जाने में हालत ख़राब, फिर वहाँ से सर्विस सेंटर लेके गया, फिर अब सर्विस सेंटर से वापस आया हूँ घर पे और उन्होंने बोला 2-3 घंटे लगेंगे आराम से। तो यार अभी घर आगे लग रही है बहुत तेज भूख और खाने में इतनी सेक्सी चीज़ है ना, ये देखो इसमें क्या है अभी दिखाता हूँ आपको, आप ना मतलब फ़ैन हो गए मेरे, इतना भयंकर कॉम्बो बना के खा रहा हूँ मैं। तो भाई ये हमारी चाउमीन और जो अभी अभी लेके आया था मैं, उसके साथ मैं खा रहा हूँ रोटी, रोटी और चाउमीन का कॉम्बो भाई बड़ा सेक्सी होता है, मतलब फूड ब्लॉगिंग देख देख के ना
थोड़ा असर मेरे पे पड़ गया यूट्यूब से फूड ब्लॉगिंग देख देख के। तो रोटी में आज हम चाउमीन डाल के खाएंगे आराम से, बहुत बढ़िया लगता है। जो भी गाली आपके दिमाग में आ रही हो लिख के वो कमेंट में लिख देना, सबके कमेंट डिलीट कर दूंगा। तो खा के देखते हैं भाई अभी। वो ना नमक और आता है, मज़ा आ जाता। मोमो की चटनी और मिल जाती ना मेयोनीज डाल के, माहौल बन जाता एकदम। तो यार अभी हम देख रहे हैं शी हल्क। मतलब यार खाने के साथ ना कुछ देखने की आदत है, मतलब बहुत लोगों को होती है, मेरे को भी है। और यार कॉपीराइट मत दे देना इसके लिए। हाँ तो और ये देखो पीछे जो स्टैंड है ना हमारा, ये गैस करो क्या होगा। ये मेरा परफ्यूम है, स्पॉन्सर का जो परफ्यूम आया था। तो लगाता तो हूँ नहीं मैं इसको, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ मैंने बना रखा है स्टैंड बनाने के लिए। फ़ोन में कोई मूवी चला लो और इसका स्टैंड बना लेता हूँ बढ़िया सा। इधर देखो हमारे एलेक्स भाई कितने मज़े से सो रहे हैं। चाउमीन से इसका मतलब नहीं है ना इसलिए। वे ये देखो इसको चाउमीन खानी नहीं है, अभी चिकन का कोई आइटम होता ना तो अभी ये यहाँ बैठा होता यहाँ पे। ये देखो। तो यार आपने कभी ऐसे किसी को देखा जिसके एकदम शरीफ सी शक्ल हो और अंदर से एकदम हरामी हो बहुत ज़्यादा? आपको भी दिखा। तो यार ये देखो इसको, इसी की बात कर रहा था मैं। शक्ल देखो इसकी और इसके काम देखो। अभी मैंने पैर सीधे करे हैं 2 मिनट के लिए और देखो कर क्या रहा है। हाँ भाई हेलो, एक्सक्यूज़ मी सर, आपसे बात हो रही है। इधर इधर इधर। हाँ अभी ये बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था और पैर सीधे करते ही उठ के आ गया, जैसे नींद तो है ही नहीं बंदे में। हाँ भाई शक्ल देखो कितनी प्यारी है इसकी, और इसकी जो खोपड़ी है ना इसके अंदर इतनी शैतानी भर रही है इसके अंदर निमाने का। और इसे मेरा ये बहुत पसंद है, ये देखो। चाहिए चाहिए तो ले। ये देख रहे हो मैं दिखाता हूँ इसको, ये निशान दिख रहे होंगे आपको दांत के, देखो सब पे ये। ये देखो ये हमारे भाई एलेक्स भाई के काम है। हाँ भाई तेरे काम है ना ये, सो जा चल उधर को जाके। हाँ ये ले। और यार एक इसको देखो, ये पीछे ना इतनी इतनी बुरी तरह रील देख रही है इतनी देर से ये। अगर वो लोग नहीं होते छोटे बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं पहली बार और वो मुझे गेम खेलने दो चलान दो चलान दो, ऐसे पूरी तरह इतनी देर से रील देख रही है। मतलब इसे 1 घंटे से ऊपर हो गया जब से इसका 14 प्रो आया ना, लगी पड़ी रहती है। अभी मतलब एंड्रॉयड से आईफोन पर शिफ्ट हुआ है ना, आता कहीं ना गरीबों को चलाना आईफोन। अभी मेरे से पूछेगी बैक कैसे करते हैं कैसे करते हैं। तो भाई अभी मैं सो के उठा हूँ, मेरी आग लग गई थी तो फिर हम बोल रहा था चुप, इसलिए वो पीछे से भौंक रहा। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना मेरे को भौंकने लग जाता है, चुप हो जा 2 मिनट बात कर रहा हूँ ना अभी चुप। तो यार अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 4:42 और 5 बजे बुलाया था सर्विस वालों ने, तो अभी स्कूटी देने के लिए जाना है वहाँ पे। और उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, ये इसे दिखाता हूँ 1 मिनट। सबसे पहले इसे देखो, सारे काम छोड़ो इसे देखो। हाँ भाई मैं अपने गोरिल्ला बॉट से वीडियो बना रहा हूँ ना, अब मम्मी आ गई तो मम्मी के भी चौंक गया। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो है हमारी चाय बन चुकी है, और चाय के साथ मेरी फेवरेट चीज़ है फैन। तो ये हमारा सबसे मेन चीज़ है, सुबह और शाम दोनों टाइम चाहिए होते हैं। तो चाय पीते हैं उसके बाद चलेंगे सीधा स्कूटी लेने की। तो फाइनली यार अभी 7:30 बज गए, अभी हम गाड़ी लेके आए हैं वापस और देख लो इतना टाइम लगा दिया, 5 बजे का टाइम दिया था तुम्हारे सामने और अभी 7 बज गए ऑलमोस्ट 7:30। लेकिन गाड़ी एकदम ओके कर दी भाई, सारी दिक्कत जो भी थी स्टैंड भी बढ़िया कर दिया, देखो सही है। तो यार ये देखो, ये अभी 1.5 साल का लड़का है, और जो लोग भी पिटबुल को बदनाम करते हैं ना भाई कि बच्चों पर एग्रेसिव हो जाते हैं औरतों पर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो भाई दीदी के साथ तो मैंने पहले भी दिखाया वीडियोस में और बच्चे के साथ आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अब इस वीडियो को देख के बताओ भाई कौन एग्रेसिव होता है क्या होता है, ये क्या सीन है। देखो आपके सामने है सारी चीज़, एक एग्रेशन अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उसे पकड़ रखा है, एग्रेशन दिखा भी नहीं रहा है वो, देख रहे हो आप। ये देखो कितना क्यूट सा है हरी, इसका नाम है अवीर। तो यार अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं हमें, और नीचे मतलब प्रोग्राम था थोड़ा सा, दादा का बर्थडे था तो सारे गेस्ट वगैरह रखे थे, सारे रिलेटिव्स आ रखे थे। तो अभी फ्री हुए हैं 11:30 बज चुके ऑलमोस्ट,
और इसलिए अभी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।